हम करने की ठानते हैं उसको हम इस तरह से उसको नीचे कर देते हैं वो मेरे जूते में आ जाता है। पूरा जैसे कोई भी चीज को हम लेते हैं तो वो उसको कहते हैं क्या कौन बड़ी बात है आइए यूपीएससी करे करना बस पढ़ थोड़ा सा मेहनत कर लेना और क्या। ये कैसा पीड़ा है पप्पू जी, लगातार बच्चा गुहार कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी मुझे गोद लीजिए, मुझे बॉन्ड पेपर बनाइए, अब तक कुछ नहीं हुआ बच्चा के लिए। पप्पू यादव गोद ले लिया, ये आपने गोद ले लिया है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को आप? किसको? मुख्यमंत्री जी को। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि केंद्रीय विद्यालय हर जिले में एजुकेशन माफिया और एजुकेशन व्यवसायकरण पर चोट लगे, कोचिंग माफिया को चुनौती कर दिया जाए, मनमानी नहीं करने दिया जाए, 8600 जो मिडिल स्कूल नहीं है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड टीचर, 4700 लगभग हाई स्कूल नहीं है, कॉलेजेस ख़त्म हो गए, स्कूल को आप गोल्हा जैसे चरवाहा विद्यालय आप वो बोल दिया आपने, फर्क में क्या है? कल्याण बिघा बगल में है जी जी, तो कल्याण बिघा था तो ये सोनू मिल गया जी हाँ, सोनू तो करोड़ों है, पासवान टोली में गए नीतीश जी, कहाँ जाते हैं वो? ये 6-7 दिन हो गया स्कूल में भुस्सा था, अच्छा हटा ताला लग गई जी, समझ गए जी जी। तो हम मेरा सवाल ये है कि सोनू को मोहताज आज के बाद नहीं होना पड़ेगा जी, सोनू को आपको हम देखते हैं कि बिहार में सबसे बेस्ट स्कूल और हॉस्टल कहाँ है, हाँ उसकी पढ़ाई वहाँ सर, बिहार के अलावा बिहार के अलावा कोई बच्चा से ये तैयारी करेगा सैनिक स्कूल के? सर बिहार के अलावा कोई और राज्य का बच्चा वायरल होता है तुरंत उसे सपोर्ट मिल जाता है, सोनू लगातार 3 दिनों से सुर्खियों में है, अब तक सरकारी तंत्र से कोई सहायता नहीं। छह दिनों से सर मैंने आपको पहले कहा कि संवेदना मरी हुई है, मीडिया ट्रायल हुआ तो दिख गई जी जी जी, पानी में खाना नहीं दे पाए बॉडीगार्ड को जी, और चुपचाप भाग गए जी, और मीडिया ट्रायल में सोनू याद आ गया। चलिए जी हाँ, सोनू बन पाया इन लोगों के वजह से सर, इन्हीं लोगों के वजह से, इनकी माँ इनके पिता ने सोनू को रोटी उपलब्ध कराया, 100 रुपया उपलब्ध कराया, और 4 क्लास का बच्चा 5, 6, 7 क्लास को पढ़ाने की हिम्मत, 8वां तक के पढ़ाने की हिम्मत कर पाया, इसीलिए ये अपने कर्म के आधार पर इसको मोहताज नहीं होने देंगे। जो परवरिश पप्पू यादव ने अपने बेटे को दिया है वही परवरिश हम सोनू को देंगे। इन बच्चों को आप कौन पढ़ाएगा पप्पू यादव जी? इस देश में अगर कोई बच्चा बचपन का प्यार गया था, इस वाला कच्चा बादाम गया था, तो उसको मुख्यमंत्री जी उससे मिलते हैं। और अभी सर मैं इस मोहल्ले में कोचिंग दूंगा एक, मैं आपको बता दूं इस मोहल्ले में एक टीचर को कोचिंग दूंगा जब ये हॉस्टल चला जाए। मतलब कि पप्पू यादव इस मोहल्ला में एक टीचर देंगे, एक कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, पहले सोनू से बात करें। अच्छा सोनू ये बताओ कि तुमको पागल क्यों कहते थे लोग? कामयाबी की ओर जो बढ़ता है उसको सब गोड़ खींचने की पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जो कामयाबी की ओर जो बढ़ता है वो नीचे नहीं देखता, वो ऊपर देखता है। सुन लिए? इस प्रकार मैं नीचे नहीं देखता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सोनू तुम इन बच्चों को क्या कहोगे? हम इन बच्चों को यही कहेंगे कि सच्चाई बिना डरे बोले, अगर झूठा भी डरने में बोलते हैं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो वो भी बिना डरे स्वीकार ले, एक थापड़ मार दिया दूसरा थापड़ भी गया मारने के लिए, इससे उनको फायदा नहीं आपको फायदा होगा। सुनो भाई आईएएस बन जाएंगे आप? ये उम्मीद है हम अपने पर उम्मीद रखते हैं, और जो चीज हम करने की ठानते हैं उसको हम इस तरह से उसको नीचे कर देते हैं वो मेरे जूते में आ जाता है। पूरा जैसे कोई भी चीज को हम लेते हैं तो वो उसको कहते हैं क्या कौन बड़ी बात है आइए यूपीएससी करे करना बस पढ़ थोड़ा सा मेहनत कर लेना और क्या, मेहनत कर लेना बस ये ऊपर जाएंगे। नेताओं को सिखाइए ना, और बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर नेताओं को सिखाइए, इन्होंने कहा कि कामयाबी की ओर बढ़ने वाले लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कामयाब लोग ऊपर देखते हैं नीचे नहीं देखते। दूसरी बात, जो ठान ले जो हिम्मत कर ले जिसके भीतर जुनून हो और जो दिल से अपने जीवन को जीना चाह ले वो कर लेते हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने बात बहुत क्लियर कही, हम में हिम्मत है, हमने ठाना है, हम अपने बदौलत IAS IPS जो बनना चाहेंगे बनेंगे,
और जो बोलना हो निडर बोलो, सच बोलो, झूठ में भी कहीं डर लगे एक थप्पड़ और खा लो, झूठ स्वीकार करके भी सच ही बोलो। ये बात सर दुनिया को सीखने की है, जो बात इन्होंने कही सीख ले। जैसा वो एक मिनट, ये पंचायत के हमारे जो सर था पंचायत है उनके ये पंच, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सर सोनू कुमार अगर 2 साल यहाँ रह जाता तो सब लड़कन सोनू कुमार हो जाता। यहाँ पर पसवान टोला, यहाँ हरजन का टोला है सर, यहाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। स्कूल है चैनपुर नीमाकोल में, जो कि हम लोग को बच्चा रोड पार करके जाना पड़ता है। यहाँ एक कोचिंग टीचर दूंगा, मैं बात कर लेता हूँ, और उसका मंथली पप्पू यादव हर महीना 28 तारीख को उस टीचर को भेज दिया। हम लोग को बच्चा का शिक्षा बढ़िया मिले सर, वही हम लोग से पलासी से चुनाव लड़े थे। एक टीचर की व्यवस्था हम करेंगे, 30 तारीख को उसके अकाउंट में टीचर को। पासवान टोली के बच्चों के लिए सोनू का अभाव नहीं होगा। सोनू यदि IAS बनना चाहता है तो ये अपना सपना देखे, और इस मोहल्ले के लिए एक बेहतर सोनू तो हम नहीं दे सकते, एक बेहतर टीचर की कोचिंग दे। टीचर है वो स्कूल सर, हम लोग को बच्चा सर स्कूल के लिए हम नीतीश कुमार जी को लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। ठीक है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।